उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक्सपो सेंटर और ये काउकी फेस्टिवल लगा हुआ है, आज से लगा है और 23 तारीख तक लगा हुआ है। ज़रूर आइए अपने बच्चों को लेके, मेरी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर नज़र आएंगी आप लोगों को। और फुल वीडियो वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा। चले अंदर चलते हैं और जाकर दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हम आ गए हैं कैटल शो में, ये लगा है कराची एक्सपो सेंटर पे और आज के दिन से लगा है और 23 मार्च तक लगेगा। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को लेकर आइए, एक से एक जानवर आपको यहाँ नज़र आएगा। इतनी खूबसूरत काऊ है और इतनी अच्छी अच्छी नस्ल की हैं कि मेरी तो आंखें खुल गई आज यहाँ जाके। बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत काऊ हैं यहाँ पर, हर चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी। काऊ भी है, शुतुरमुर्ग भी है, बकरी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ एक ऐसी शख्सियत मिली, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमारी मुलाकात किससे हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी और इतने लोग आए हुए थे। ये देखिए एक्सपो सेंटर कराची पे जो है, मेन एक्सपो सेंटर कराची में, बार बार लोग मुझसे एड्रेस पूछेंगे तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, कराची सेंटर एक्सपो पे है ये मौजूद और बहुत खूबसूरत यहाँ पर लगी हुई है ये। आप लोग ज़रूर आइए, विज़िट करिए, बच्चों को लेके जाइए, इंजॉय करिए। मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा एंड लाइक कर लीजिएगा। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी बहुत मज़ा आया यहाँ जाके, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली कि आप काऊ देखेंगे तो आपको खुद कहेंगे कि या अल्लाह ये कहाँ से आई है, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी खूबसूरत कि देखने वाली काऊ थी सारी के सारी। आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए आप इसकी आँखें देखें आप, ये लग रहा था कि बस अभी बाहर आ जाएगी निकल के। तो ये कैटल शो है, हर तरह के जानवर यहाँ मौजूद हैं, हर उसके हैं, एंगल के हैं, हर तरह के हैं और हर नस्ल के हैं, बोल के बहुत आला नस्ल के जानवर मुझे यहाँ नज़र आए हैं। तो ज़रूर जाइए अपने बच्चों को लेके, एंजॉय करिए यहाँ पर और आगे आप देखते रहिए क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको नज़र आएंगी। इस कैटल शो ने तो मुझे ईद क़ुरबा की याद दिला दी, जैसे मंडी जाते थे लोग देखते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह का फेस्टिवल लगा है और आला से आला जानवर यहाँ आपको मिलेगा। बकरियाँ देखें इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, और ये देखें आप कितना खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और गायें ऐसे मज़े से बैठी हुई थी, लोग हाथ लगा रहे थे, बच्चे छू रहे थे, पर मजाल है कोई गायें बिदक जाए या कुछ, और इतनी खूबसूरत वाइट वाइट बिल्कुल, बहुत मुझे मज़ा आया यहाँ आके। इस तरह से देखें पूरा ये है यहाँ पे और हर बंदा इंजॉय कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीरें ले रहा है, इस तरह से यहाँ सीन चल रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ज़रूर अपनी फैमिली को लेके जाइए, 3 दिन की है खाली ये, ऐसा ना हो कहीं आप लोग मिस कर दें, इसलिए मैंने फ़ौरन जाके वीडियो बनाई है और फ़ौरन अपलोड कर दी ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए कि ये कहाँ और किस जगह लगी और वो भी जाके इस जगह जाएँ और जाके लुफ्तानंदोज़ हों इन सब मंज़रों से। बच्चों को लेके जाइए, फैमिली को लेके जाइए, सारी फैमिलीज़ वहाँ मौजूद थी और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप यहाँ का माहौल देखिए, मास्क ज़रूर लगा के जाइएगा, आपको पता है कोरोना का सीन कितना ज़्यादा इन है, और अपनी हिफाजत करिएगा, खुद से सैनिटाइज़र बाहर लगा हुआ है लेकिन अगर हो सके तो फिर भी आप लेके चले जाइएगा अपने साथ और हाथ बार बार सैनिटाइज़ करते रहिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा क्योंकि जान बहुत अजीज़ है, जान बहुत प्यारी होती है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी आला नस्ल की गाय शुतुरमुर्ग, तो आप देखिए देख के हैरान हो जाएंगे, मैं तो पीछे हो गई, इनकी गर्दन इतनी बड़ी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर आ जाए लेकर, तो मैं तो फ़ौरन होके पीछे हो गई क्योंकि जो कैमरे को देख के खुद से खुद आगे हो रहे थे लोगों को ना, पत्नी क्या समझ रहे थे, तो मैं तो भाई पीछे हो गई कहीं ऐसा ना चोंच मार दें, कुछ कर दें, डर ही लगता है इन लोगों से। तो क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रॉड भी नहीं था, देखें आपके सामने बस ये एक रॉड लगा हुआ था, पीछे ये मौजूद थे और इनके बराबर में ही ये गायें थी लगी हुई जिसको बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। और एक आगे आपको गाय दिखेगी, वो तो बाकायदा बैठी हुई हैं स्टेज पे, उनके लिए तो पूरा एक बेड का एहतमाम हुआ हुआ था, देख के सब इतना हंस रहे थे उसको, बहुत खूबसूरत हर चीज़, हर जानवर बहुत हसीन, बहुत आला नस्ल का। ईद क़ुरबा याद आ गई यहाँ आकर आज मुझे, और बहुत मुझे मज़ा आया है। आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, 3 दिन का फेस्टिवल है, कहीं मिस नहीं कर दीजिएगा, ज़रूर जाइएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। ये देखिए शुतुरमुर्ग साहब दोबारा नजर आ गए हैं हमें, मैं बहुत क्लोज आ गई थी, रश कम हो गया तो मैंने और क्लोज से बना लिया। आप ये देखिए कितनी खूबसूरत बकरे हैं, ये मेरे ख्याल में पहाड़ी बकरे कहलाते हैं, वो बार बार ये बोला था, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत, ये ना कुछ बोल रहे थे किसी को, एक बकरे को तो मैंने भी गोद में लिया है, आप अभी देखिएगा आगे, छोटा सा बच्चा था, सब ले रहे थे तो मैं कहा भाई मुझे भी दे दो, मैं भी तो लेकर देखूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया लेकर उसे। अभी
अभी आप देखेंगे, ये देखिए इतना छोटा सा बच्चा था ये, उन्होंने इसको इतने मजे से गोद में लिया और ये मेरी गोद में ऐसे बैठा। मलेशिया में इनका रेस्टोरेंट है और हम मलेशिया जरूर जाऊंगा और इनके रेस्टोरेंट में भी खाना खाऊंगा। अब आप लोग पूरी वीडियो एंजॉय करिए और जब वीडियो एंड हो जाएगी तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, पूरी फुल वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। जो लोग नहीं जा सकते वो यहीं से बैठ के मेरी वीडियो को एंजॉय करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू लोगों ने ज्वाइन किया है, वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। अब चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग फुल वीडियो मेरी एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़। आपको बताना भूल गई, वहीं से मैंने आपको खुदा हाफिज़ कह दिया, पर यहाँ जब मैं बाहर आई तो यहाँ पे तो जानवरों की कैटवॉक हो रही थी, तो मैंने देखे थोड़ा सा ले लिया है। पहले यहाँ पे गुजरा था दो घोड़े, उसके बाद दो ऊँट आए और उसके बाद तरह तरह के जानवर, बकरियाँ और ये सब, ये देखिए तेज़ तेज़ आ रहा है। तो यहाँ जानवरों की कैटवॉक हो रही थी, लोगों को बहुत दूर दूर खड़ा किया हुआ था और ये मैंने स्पीड में कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी लंबी कैटवॉक थी, तो मैंने थोड़ी सी ही इसकी वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। इस तरह से बहुत अच्छा बाहर का भी देख लें कितना अच्छा है हर चीज़। और ये ऊँट आ गए थे उसके बाद, आप लोग ज़रूर जाइए, मेरी एडवाइस तो ये है ज़रूर जाइए, इंजॉय करिए। और 23 मार्च को तो बहुत रश होगा, उससे पहले ही चले जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो करिएगा शेयर एंड लाइक, अपना रखिएगा बेहद ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ओके, चलें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।